महोदय, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के गांव के पुनर्निर्माण की कल्पना कर नई समाज रचना का जो सपना सजोया, उसको उन्होंने पंचायत राज या ग्राम स्वराज नाम दिया है। ग्राम स्वराज यानि गांव में गांव का राज, गांधी जी ने लिखा है। स्वतंत्रता का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की स्वतंत्रता होना चाहिए, केवल उन पर शासन करने वालों की स्वतंत्रता नहीं। शासन करने वाले राज्य जिन्हें अपने पांव तले रौंद रहे हैं, स्वतंत्र हिंदुस्तान में उन्हें लोगों की कृपा पर ही रहना होगा। इन शासन करने वालों को लोगों का सेवक बनाना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा। गांधी जी के कथानुसार स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। उनकी कल्पना थी कि हर एक गांव में पंचायत राज यानी ग्राम स्वराज होगा। पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुंदर शब्द है, उसके साथ परंपरा की मिठास जुड़ी है। उसका शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 लोगों की पंचायत, उसके पास पूरी सत्ता और शक्ति होगी। जिसका अर्थ यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेनी होगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार स्वयं ही चला सके। देखा है? महोदय, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के गांव के पुनर्निर्माण की कल्पना कर नई समाज रचना का जो सपना संजोया, वे उन्होंने पंचायत राज या ग्राम स्वराज नाम दिया। ग्राम स्वराज यानी गांव में गांव का राज। गांधी जी ने लिखा है, स्वतंत्रता का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, केवल उन पर शासन करने वालों की स्वतंत्रता नहीं। शासन करने वालों राज्य जिन्हें अपने पांव तले रौंद रहे हैं, स्वतंत्र हिंदुस्तान में उन्हें लोगों की कृपा पर ही रहना होगा। इन शासन करने वालों को लोगों का सेवक बनना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा। गांधी जी के कथनानुसार स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। उनकी कल्पना थी कि हर गांव में पंचायती राज यानी ग्राम स्वराज होगा। पंचायत राज हमारा बड़ा पुराना और सुंदर शब्द है। उसके साथ परंपरा की मिठास जुड़ी है। उसका शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 लोगों की पंचायती राज। उसके पास पूरी सत्ता और शक्ति होगी। जिसका अर्थ यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेनी होगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार स्वयं ही चला सके।